बर्फबारी से हिमाचल में 157 सड़कें बंद। आज की अगली खबर है, पौंग में 381 और प्रवासी पक्षियों की मौत। बर्ड फ्लू की समीक्षा करने धर्मशाला जाएंगे मुख्यमंत्री। आज की अगली खबर है, एक और संक्रमित की मौत, 140 ने कोरोना पॉजिटिव के मामले। आज की अगली खबर है, हिमाचल में जनवरी अंत या फरवरी के पहले सप्ताह में खुल सकते हैं स्कूल। पंचायत चुनाव, मतदान के दिन दो परीक्षाएं होने से अभ्यर्थी परेशान। सांसद किशन कपूर के घर में मृत कबूतर मिलने से मचा हड़कंप। तो दोस्तों, आज है 8 जनवरी 2021 और हिमाचल प्रदेश की तमाम बेहद बड़ी खबरों के बारे में हम आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देंगे। आज की पहली खबर है, बर्फबारी से हिमाचल में 157 सड़कें बंद। हिमाचल प्रदेश में बारिश और बर्फबारी का दौर थमते ही पूरे प्रदेश में मौसम खुल गया है। मौसम साफ होते ही हिमखंड गिरने का खतरा बढ़ गया है। वहीं बर्फ की सफेद चादर ओढ़े वादियां चांदी की तरह चमक रही हैं। रोहतांग दर्रा समेत ऊंची पहाड़ियों पर गुरुवार दोपहर बाद बर्फ के फाहे गिरे। प्रदेश में 2 NH समेत 157 सड़कें अभी भी बंद हैं। किन्नौर में 107 ट्रांसफार्मर ठप होने से काजा और स्पीति वैली में ब्लैकआउट है। जिले में 3 दिनों से ग्रामीण रूटों पर बस सेवा बहाल नहीं हो पाई है। 13 जनवरी तक पूरे प्रदेश में मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है। धूप खिलने से आने वाले दिनों में ठंड से भी राहत मिलने के आसार हैं। आज की अगली खबर है, शिमला के कुफरी में बनेगा देश का पहला स्की पार्क, पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा, 1000 को रोजगार। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला से 16 किलोमीटर की दूरी पर पर्यटन क्षेत्र कुफरी में देश का पहला स्की पार्क बनने जा रहा है। गुरुवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की मौजूदगी में राज्य सरकार और नागसंज डेवलपर के मध्य इसके लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस परियोजना से लगभग 1000 लोगों को रोजगार के लिए अवसर सृजित होंगे। यह परियोजना 250 करोड़ रुपये की लागत से 5.04 एकड़ भूमि पर विकसित की जाएगी। आज की अगली खबर है, पौंग में 381 और प्रवासी पक्षियों की मौत। बर्ड फ्लू की समीक्षा करने धर्मशाला जाएंगे मुख्यमंत्री। हिमाचल प्रदेश में बर्ड फ्लू के अलर्ट के बीच पक्षियों की मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। पौंग बांध क्षेत्र में बर्ड फ्लू से 381 और प्रवासी पक्षियों की मौत होगी। यहाँ मृत पक्षियों का आंकड़ा 3400 के करीब पहुंच गया है। देहरादून से आई विशेषज्ञ डॉक्टर सुरेश ने गुरुवार को केंद्र सरकार को इसकी रिपोर्ट भेज दी है। वहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आज 8 जनवरी को जिला कांगड़ा जाएंगे। इस दौरान वे पौंग क्षेत्र में फैले बर्ड फ्लू की समीक्षा करेंगे। जिले में कोरोना महामारी की स्थिति का भी जायजा लेंगे। सीएम का रात्रि विश्राम सर्किट हाउस धर्मशाला होगा। आज की अगली खबर है, एक और संक्रमित की मौत, 140 नए कोरोना पॉजिटिव के मामले। हिमाचल प्रदेश में कल एक और कोरोना पॉजिटिव मरीज की मौत होगी। ऊना में 76 वर्षीय कोरोना पॉजिटिव बुजुर्ग व्यक्ति ने दम तोड़ दिया। इसके अलावा प्रदेश में कल कोरोना वायरस के 140 नए मामले सामने आए हैं। कांगड़ा में 42, सिरमौर से 25, सोलन से 25, मंडी से 19, चंबा से 6, बिलासपुर से 5, ऊना से 10, शिमला से 3, कुल्लू से 2, हमीरपुर से 3 नए कोरोना पॉजिटिव के मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही प्रदेश में अब तक आने वाले कोरोना संक्रमितों का कुल आंकड़ा 56,146 पहुँच गया है। प्रदेश में अब 1,220 सक्रिय मामले हैं। आज की अगली खबर है, हिमाचल में जनवरी अंत या फरवरी के पहले सप्ताह में खुल सकते हैं स्कूल। देश के कई राज्यों में स्कूल खोलने के बाद अब हिमाचल प्रदेश सरकार ने इस पर विचार करना शुरू कर दिया है। प्रदेश के विद्यार्थियों के साथ हुए संवाद के बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने विभागीय अधिकारियों को स्कूल खोलने की संभावनाओं पर विचार करने के निर्देश दिए हैं। बोर्ड की कक्षाएं सबसे पहले शुरू हों, इसके लिए जल्द प्रस्ताव तैयार करने को कहा गया है। बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस से मुख्यमंत्री के संवाद में अधिकांश विद्यार्थियों ने स्कूलों को जल्द खोलने की वकालत की। वार्षिक परीक्षाओं को स्कूलों में ही आयोजित करने की मांग की गई है। आज की अगली खबर है, पंचायत चुनाव, मतदान के दिन दो परीक्षाएं होने से अभ्यर्थी परेशान। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग ने सूबे में हो रहे मतदान की तारीख को दरकिनार कर 17 जनवरी का दिन जूनियर ऑफिसर और असिस्टेंट प्रोग्रामर की परीक्षा के लिए तय कर दिया है। बकायदा परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों को रोल नंबर भी जारी कर दिए गए हैं। ऐसे में परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों के सामने बड़ा संकट खड़ा हो गया है कि वो अपनी ग्राम पंचायतों में हो रहे मतदान को प्राथमिकता दें या फिर परीक्षा को। चयन आयोग की ओर से जारी किए रोल नंबरों में जूनियर ऑफिसर के लिए 17 जनवरी को सुबह 9 बजे हमीरपुर के एक परीक्षा केंद्र में रिपोर्ट करने को कहा है। असिस्टेंट प्रोग्रामर के लिए दोपहर 1 बजे पहुंचने को कहा गया है। सुबह की परीक्षा 10 से 12 बजे तक तथा दूसरे पेपर की परीक्षा 2 से 4 बजे तक होगी। यही समय पंचायत चुनाव के मतदान का भी है।
ऐसे में सवाल यह है कि प्रदेश भर से आने वाले परीक्षार्थी अपनी पंचायतों में मतदान करने जाएं कि अपने करियर के लिए मतदान न करने का निर्णय करें। इस परीक्षा में जाने वाले कुछ उम्मीदवारों के नाम न छापने की शर्त पर कहा कि एक और तो सरकार मजबूत लोकतंत्र के लिए मतदान अवश्य करने के लिए अभियान चलाकर देश भर के मतदाताओं को जागरूक कर रही है, दूसरी और हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग मतदान के दिन ही परीक्षा की तारीख तय कर अनेक मतदाताओं को उनके मताधिकार से वंचित करने जा रहा है। परीक्षार्थियों समेत अन्य लोगों ने भी इस दिन होने जा रही परीक्षा को रद्द करने की मांग उठाई है। आज की अगली खबर है, सांसद किशन कपूर के घर में मृत कबूतर मिलने से मचा हड़कंप। हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा के पौंग झील में फैले H5N1 यानी बर्ड फ्लू के चलते कई क्षेत्रों में मांस मच्छी और अंडों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। वहीं गुरुवार को चंबा कांगड़ा सांसद किशन कपूर के घर में मृत कबूतर मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। जैसे किशन कपूर के परिवार ने घर के आंगन में मरा हुआ कबूतर देखा तो इसकी सूचना पशुपालन विभाग को दी। वहीं विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर प्रोटोकॉल के तहत कार्रवाई की। विभाग की टीम मृत कबूतर को पोस्टमार्टम के लिए ले गई है और रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का पता लग पाएगा। आज की अगली खबर है, बजट की कवायद शुरू, प्रदेश सरकार ने लोगों से मांगे सुझाव। हिमाचल प्रदेश सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए राज्य का बजट तैयार करने की कवायद शुरू कर दी है। विभागीय स्तर पर सिफारिशें लेने के बाद वित्त विभाग ने अब प्रदेश के आम लोगों से बजट के लिए सुझाव देने की अपील की है। खास बात यह है कि इस बार कोविड के चलते सिर्फ ऑनलाइन ही सुझाव लिए जाएंगे। वित्त विभाग ने इसके लिए ई बजट HP नाम का एक पोर्टल तैयार किया है। इसमें हिंदी और अंग्रेजी में सुझाव देने के लिए विकल्प दिया गया है। दोस्तों, ये थी आज 8 जनवरी 2021 हिमाचल प्रदेश की कुछ ताज़ा अपडेट्स। डेली इसी तरह से हिमाचल प्रदेश की लेटेस्ट अपडेट के लिए आप टुडे हिमाचल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।